हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल डे डिज़ाइन ऑनलाइन में न्यूड वीडियो के साथ आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, सर्दी आ रही है तो हमें काफ़ी बड़ी बड़ी जैकेटें कुछ पसंद आती हैं तो हमारे साइज़ की नहीं मिलती है, तो इस वजह से हम नहीं ले पाते हैं। तो आप मेरी इस वीडियो को देखने के बाद समझ पाएंगे कि हम आराम से बड़ी जैकेट की फिटिंग कर सकते हैं। तो आप इस जैकेट को अच्छे से देख सकते हो, ये हमारा कितना साइज है, ये हमारा है एक्सेल साइज। तो मैं इसको बनाऊँगा अपने साइज़ की, यानी मीडियम साइज़ की। तो हमें क्या करना है, जैसे कि आपकी जो आपकी बिल्कुल फिट जैकेट हो, वो आप एक जैकेट ले लीजिए। जैसे कि मैंने एक जैकेट ले ली है, अपने आपकी एक फ़िटिंग की मैंने जैकेट ले ली है जिस साइज़ की मुझे बनानी है। तो ये मेरी फ़िटिंग की जैकेट है और ये नीचे वाली जिसको मुझे फिट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों जैकेटों को हम उल्टा कर लेते हैं, सीधी साइड हमने अंदर कर दी है, उल्टी साइड हमने बाहर कर दी है। तो जो हमें फिटिंग की जैकेट चाहिए सेम हम वो भी उसी पैटर्न से ही करेंगे, उसके भी हम उल्टा करके रख देंगे। इसके ऊपर हम अच्छे से बिछा देंगे। और जैकेट की लंबाई जो होती है वो तो आपको पता ही है दोस्तों, सेम ही होती है। तो जैकेट्स की लंबाई हमारी बिल्कुल परफेक्ट बराबर है। तो जहाँ पे भी इसकी बाजू, जहाँ तक आपको जैसे फिट करनी है बाजू ही फिट करनी है, तो बाजू को भी इस तरीके से रख लीजिए। इसको हम अच्छे से सेट कर लेते हैं पहले जैकेट को। जैकेट को अच्छे से बिछा लिया है, जितनी हमें फिटिंग लगानी है उसके अकॉर्डिंग ही हमने इसको फिट कर लिया है, करना है। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें, जैकेट को हमेशा आप लूज़ रखें, क्योंकि सर्दियों में उसके अंदर आप काफ़ी चीज़ें पहनते हैं। एक दो चीज़ें तो आपको पहननी होती है, जैसे कि इनर और एक टी शर्ट उसके ऊपर, और उसके ऊपर हम पहनते हैं टी शर्ट्स या जैकेट जो भी आपको ठीक लगे। तो मैंने इसको अच्छे से बिछा लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको करेंगे निशान से मार्क। तो एक चौक ले लेंगे, जितना जितना भी हमें करना है उतना उतना हम इसको मार्जिन के हिसाब से फिट कर लेंगे। इस पर मार्क लगा देता हूँ, जितनी जितनी मुझे करना है उतना उतना मैं इस पर मार्क लगा के फिट कर लेता हूँ। पहले मैं स्टार्ट करूँगा आस्तीनों से। इस पर हम हल्के हल्के डैश डैश करते हुए लाइन लग करेंगे, ज़्यादा हम उसको गाढ़ा गाढ़ा नहीं करेंगे, ताकि हमें बाद में लूजिंग करनी हो या कुछ करनी हो तो हम इसको कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से दोनों साइडों से मार्क कर देंगे, जैसे कि हमने एक साइड से करा था। हमने मार्क कर दिया है। मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, ऊपर वाली जैकेट जो है हम इसको हटा देंगे, क्योंकि इसका अब हमारा काम नहीं है। तो ये हमने मार्क करके लगा लिया है निशान। तो अब जितनी ही भी हमने इस पे निशान लगाया है, इसके अकॉर्डिंग ही हम अब इसको क्या करेंगे, स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद हम इस देखेंगे कि हमारी इसकी मतलब सेम फिटिंग है या नहीं है। तो अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग करना बताता हूँ। तो ये ब्लैक कलर की है, तो हम ब्लैक कलर जो कि हमने मार्क लगाया था उसके अकॉर्डिंग ही अब हम इस क्या करेंगे, इसको स्टिच कर लेते हैं। पहले यहाँ पे क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे इस साइड से सिलाई को मजबूत कर देंगे। लेकिन जो हमारी लाइन हुई है इसके ऊपर ही हमें स्टिच करनी है, उसके अदर साइड हमें सिलाई नहीं मारनी है, वरना हमारी फिनिशिंग जो है बेकार हो जाएगी और हमारी लूजिंग भी रह जाएगी। तो ये हमने एक साइड फिटिंग मार ली है, अब दूसरे साइड भी हम इस तरीके से ही फिटिंग मार लेंगे। हमने इसकी फिटिंग तो मार दी है, लेकिन फिटिंग मारने के बाद जो इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन है, हम इसको हमेशा ध्यान रखें, इस वाले एक्स्ट्रा मार्जिन को आप कट कर लेंगे। अगर कट नहीं करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा किस टाइप से बन जाएगा। अगर हम इसको कट नहीं करेंगे तो यहाँ से हमारा इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हो, झोल आ रहा है। अगर हम इसके अंदर वाले मार्जिन को नहीं काटेंगे तो हमारा ऐसा इस तरीके से आप देख सकते हो झोल टाइप आ रहा है, फूला फूला, जिससे कि हमारी फिनिशिंग बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो इसलिए इसका अंदर वाला मार्जिन को आप हमेशा कट कर, एक्स्ट्रा वाला फैब्रिक है वो हम इसको कट कर लेते हैं। ज़्यादा ज़्यादा नहीं, हम इसको आधा आधा इंच कट कर लेंगे। इस तरीके से करते करते हम दोनों साइड का मार्जिन को कट कर देंगे। एक्स्ट्रा वाला जो फैब्रिक है हमने कट करके अलग कर देंगे दोनों साइड का, इसको हम हटा देंगे। फिर अब हम देखते हैं इन दोनों की फिटिंग कैसी आई। तो आप देख सकते हो, ये हमारी पहले हमने जो नाप से बनाई थी, ये उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल फिटिंग बढ़िया आ गई है। तो दोस्तों, आई होप आज की मैं आपकी वीडियो पसंद आई। उसको लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो जो मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको जैकेट का पैटर्न कटिंग करना जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको जैकेट का पैटर्न भी कट करके बताऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपके साथ एक न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको जैकेट का पैटर्न सीखना है या नहीं। तो बाय फ्रेंड्स।